हेलो किसान भाइयों, मैं शुभम कीट विज्ञान विशेषज्ञ आप सभी लोगों का अपने चैनल कृषि ज्ञान में स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज का जो टॉपिक है कि कैसे बचे लाल कीड़े से, और इंग्लिश में अगर समझे तो हाउ टू कंट्रोल रेड पम्पकिन बीटल। तो आज हम इसी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि रेड पम्पकिन बीटल का प्रकार कितना होता है, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तीन प्रकार के मुख्यतः होते हैं। पहला येलो एंड ब्लैक पम्पकिन बीटल, सेकेंड है रेड पम्पकिन बीटल, और थर्ड है ब्लैक एंड येलो पम्पकिन बीटल। ये तीन पम्पकिन बीटल जो होते हैं ये पॉलीफेगस होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब इसके बारे में बताने से पहले इसके लाइफ साइकिल के बारे में जान लेते हैं। तो लाइफ साइकिल आप सामने देख लीजिए कि लाइफ साइकिल में क्या होता है। सबसे पहले एडल्ट होता है और एडल्ट अंडा देता है। अंडा देने के बाद ग्रब उसमें से निकलता है, और ग्रब क्या होता है, फिर प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर प्यूपा फिर कन्वर्ट होके चला जाता है एडल्ट में। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो ही स्टेप सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, एडल्ट और ग्रब, मतलब प्रोण और उसके लार्वा जो ग्रब होते हैं, बच्चे शिशु होते हैं, वही सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको बताते हैं आज इसके पूरे लाइफ साइकिल के बारे में और पूरी तरह से आपको जानकारी देते हैं। देखिए किसान भाइयों, क्या होता है कि जो इसके एडल्ट है, जो कि सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये पत्तियों के बीच से उसको खाते हैं, उसके तंतुओं को खरोच खरोच कर खाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके तंतु चारों तरफ से जले हुए प्रतीत होते हैं और सूखे हुए प्रतीत होते हैं। और ये खाने के बाद ये थोड़ा थोड़ा बीज से इसलिए खाते हैं क्योंकि ये चखते हैं कहीं ये जहरीला तो नहीं, कहीं ये खराब तो नहीं, तो इसलिए चख चख के बीज बीज से हल्के हल्के से खाते चले जाते हैं, और ऐसा जालीनुमा संरचना पत्तियों में बन जाता है। और ये अक्सर किसमें किस किस प्लांट को खाते हैं ये मैं बता देता हूँ। ये अक्सर कद्दू, लौकी, तुरई, टिंडा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और बहुत सारे सब्जियों को खाते हैं। ये अधिकतर कुकरबिटेसी कुल के सब्जियों को ज़्यादा तौर पे खाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इसके इफ़ेक्ट। तो किसान भाइयों, ऐसे ही ये खा कर पूरे प्लांट को खराब कर देते हैं, जिससे पूरा प्लांट सूख जाता है और पूरा प्लांट खराब हो जाता है। तो किसान भाइयों, आप जान लेते हैं कि इससे जो लार्वा निकलते हैं वो क्या करते हैं, जड़ों के पास जाते हैं, और जड़ों के पास में छेद करके मिट्टी के अंदर जड़े के जो नर्म तंतु रहते हैं जड़ में, उसको खाते रहते हैं और जड़ को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देते हैं और ख़राब कर देते हैं, जिससे क्या होता है, प्लांट जो है वो पूरी तरह से सूखने लगता है। इसलिए किसान भाइयों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके प्लांट में भी ऐसा हो रहा है, तो आप इसका निदान जरूर करें। ये पॉलीफेगस होता है कि मतलब कि सभी प्रकार के प्लांट को खाने के लिए तत्पर रहता है, जैसे इसके फूल को भी खाता है, पत्ती को भी खाता है, मतलब उसके शरीर के हर पार्ट्स को धीरे धीरे करके वो खाता रहता है और ऐसे ही छेद बनाता रहता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये हमेशा खाते रहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब कंट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके कंट्रोल कैसे करें। तो कंट्रोल करने के लिए आपको तीन दवाई यूज़ करना है। पहला है मिथाइल डेमेटॉन 25 ईसी में आता है, इसका 2 ml यूज करना है, पर लीटर पानी में मिलाकर यूज करेंगे, छिड़काव करेंगे तो मर जाएगा। सेकेंड है डाइमेथोएट होता है, 30 ईसी में आता है, 2 ml पर लीटर पानी मिलाकर इसे यूज करेंगे तब भी वो मर जाएगा। तीसरा दवा है नीम आयल, जिसका 5 ml पर लीटर पानी मिलाकर यूज करेंगे तब भी इंसेक्ट मर जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नीम आयल का इसलिए लोग प्रयोग करते हैं कि नीम आयल जैसे आप प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि जिस पत्तियों को वो खाता रहता है उसका स्वाद उसे नहीं मिल पाता है, मतलब स्वाद फीका हो जाता है, इसलिए वो इंसेक्ट जो है रेड पम्पकिन बीटल या कोई भी, कभी भी आप नीम आयल का प्रयोग करते हैं किसी इंसेक्ट के लिए, कीट के लिए, तो वो क्या करता है कि स्वाद जब उसे नहीं मिलता तो वो उस प्लांट से उड़कर दूसरे प्लांट पर चला जाता है और उस प्लांट को छोड़ देता है। जिस समझिए ये एक प्रकार का जैविक कंट्रोल है, जिससे आप अपने प्लांट को पूरी तरह से बचा पाते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, आज हमने आपको कंट्रोल बता दिया, आपको हमने इस इंसेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दे दी, इसके लार्वा या ग्रब के बारे में पूरी जानकारी दे दी कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे प्लांट को ख़राब करता है, ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दे दी। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद लगा हो तो आप हमें कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमेशा वीडियो आता रहता है। इसलिए किसान भाइयों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल
और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए किसान भाइयों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।